कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आज पूरा देश एकजुट है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर लोगों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण कर रहा है, तो वहीं कई अन्य सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिवान के पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव अपने गाँव स्थित लहेजी में गरीब मजदूर परिवारों को भोजन करा रहे हैं, तो वहीं उनके पुत्र चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव सिवान के अन्य राज्यों में फंसे गरीब मजदूर परिवारों को अपने सोशल टीम के साथ वहां की अन्य सामाजिक संगठन अपने शुभचिंतक और सरकार के साथ मिलकर उन लोगों तक भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। बताते चले कि उनके फेसबुक अकाउंट में ये सभी जानकारी साझा की गई है, जिनमें करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता के साथ साथ भोजन का भी प्रबंधन कराया गया है। जो लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नोएडा, उड़ीसा, हैदराबाद सहित अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, हम भी आपसे अपील करते हैं, एटीएन लाइव भी आपसे अपील करता है कि आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जिन्हें कुछ ज़रूरत हो इस लॉकडाउन में, तो आप उसे अवश्य मुहैया कराएं। भैया हमारे सिवान कैंपुर सांसद श्री ओम प्रकाश यादव अभी फिलहाल बिहार के उपाध्यक्ष हैं, वो हम लोग को हेल्प किए हैं और शिवराज शर्मा के द्वारा ये हम लोग को सामान मिला है। 35-36-37 आदमी हो गए हैं, हम लोग सब आदमी मिल के अपने में आपस में बांट रहे हैं और 5,000 रुपया मिला हुआ है। आगे है कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व आज हम देशवासियों को मिला है, नहीं तो आज कमजोर नेतृत्व होता तो भारत बिखर गया होता। आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जो कोरोना से जंग लड़ रहा है भारत, उसमें हर देशवासी जात मजहब से ऊपर उठ करके, दलीय भावना से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर अनुसरण कर रहा है। इस पर हम भारतवासियों को गौरव है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत की कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की है। हम धन्यवाद देंगे अपने पुत्र चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव के जो टीम के लोग पूरे देश में हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे सिवान के निवासी हैं, कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है, वो लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जैसे हिमाचल में हम लोगों ने 25 लोगों को वहाँ खाना का और आवश्यक सामग्री भेजने का काम किए, उसी तरह गुवाहाटी में, असम में हम लोगों ने, उन लोगों ने हमारे पुत्र हैप्पी यादव से संपर्क किए, वहाँ हम लोगों ने पैसा और खाद्यान्न सामग्री पहुँचाए। हैदराबाद में भी हम लोगों ने सामग्री पहुँचाए, खाना पहुँचाए, चाहे वो आरएसएस के लोग हों या सामाजिक अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, हम लोग संपर्क कर रहे हैं और ऐसे पूरे देश में 500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने सामग्री पहुँचाने का काम किए हैं। और हम अनुरोध करते हैं, आप जहाँ हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर
लॉकडाउन का पालन करें। हम उनके बताए राह पर चल करके कोरोना जैसे महामारी से निजात पा सकते हैं। भारत ने प्लस पोलियो को हम लोगों ने भारत से उखाड़ फेंका, उसी तरह कोरोना से भी हम जंग जीतेंगे, यह हमें उम्मीद है। और देशवासियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, आप इस महामारी से घबराएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों का सलाह माने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो जंग लड़ रहा है, एक न एक दिन अवश्य हम लोग इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।